किचन फ्रेंड्स, हम जब भी रेस्टोरेंट्स या ढाबे में जाते हैं तो दाल तड़का जरूर ऑर्डर करते हैं। तो आज मैं ये अमेजिंग रेसिपी आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ, वो भी घर पे बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, दाल तड़का बनाने के लिए हमें सामग्री चाहिए। यहाँ पे हमने अरहर दाल ली है 1 कप, या आप इसे तोर दाल भी बोल सकते हैं। इसे हमने अच्छे से धो के पानी निकाल के आधे घंटे के लिए छोड़ दिया है। यहाँ पे हमने टमाटर लिया है 1 कटोरी बारीक कटा हुआ। यहाँ पे प्याज लिया है 1 कटोरी बारीक कटा हुआ। फ्रेश धनिया लिया है। अदरक का 1 टुकड़ा लिया है हमने, इसे भी हमने बारीक कट करके लिया है। लहसुन कलियाँ ली है 7 से 8 बारीक कट करके। जीरा लिया है 1 चम्मच। यहाँ पे लाल मिर्च ली है 4। पिंच ऑफ हींग लिया है। कश्मीरी मिर्च लिया है 1 चम्मच। स्वाद अनुसार नमक। हल्दी पाउडर लिया है 1 चम्मच। धनिया पाउडर, देसी घी और पानी। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम दाल को पकाएंगे। तो हमने कि यहाँ पे प्रेशर कुकर लिया है, इसमें हम ऐड करेंगे तोर दाल। तो यहाँ पे हमने सारी दाल डाल दी है। अब इसमें हम ऐड करते पानी। तो यहाँ पे हमने लगभग 1 गिलास पानी ऐड किया है और इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी। स्वाद अनुसार नमक। इसे अब हम मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसे ढक्कन लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे हम हाई फ्लेम पे 2 सीटियों में पका लेंगे अच्छे से। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे कुकर को खोल दिया है। ये आप देख सकते हैं, दाल हमारे अच्छे से गल चुकी है और पक भी चुकी है अच्छे से। ये देखें, अब हम दाल को बघार लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने एक पैन लिया है और पैन हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है और हमने गैस की फ्लेम लो मीडियम रखी है। अब हम इसमें 2 चम्मच घी ऐड करते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे तेल का भी यूज़ कर सकते हैं, बट घी में ये बघार बहुत ही अच्छा और टेस्टी भी लगता है। तो थोड़ा सा हम गर्म होने देते हैं घी को। तो यहाँ पे घी अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा हींग डालेंगे और फिर इसमें जाएगा जीरा। सॉटी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा जीरा तड़क गया है अच्छे से। अब हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन। अदरक, इसे हम अच्छे से भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। और इसमें ऐड करते हैं लाल मिर्च। यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छे से भून चुका है। अब हम इसमें डालेंगे प्याज। प्याज को भी हम हल्का ब्राउन करके लेंगे अच्छे से। साथ ही इसमें हम ऐड करेंगे हल्दी, धनिया पाउडर, थोड़ा सा नमक। नमक हमने दाल पकाते समय भी डाला था, तो थोड़ा टेस्ट के हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। मिक्स कर लेते हैं और अच्छे से प्याज के साथ में इसे भी हम भून लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे प्याज अच्छे से भून चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर और साथ ही जाएंगे इसमें हरा धनिया। मिक्स कर लेते हैं और हमें यहाँ पे टमाटर को अच्छे से सॉफ्ट होने तक पकाना है।
टमाटर गल चुके हैं, तो अब हम इसमें डालेंगे पकी हुई दाल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने सारी दाल डाल दिए, अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी दाल अच्छे से मिक्स हो चुकी है, आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया लग रही है। तो इसे अब हम बॉईल होने देते हैं और हम तड़का बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने एक पैन लिया है छोटा, अब हम तड़का लगाएंगे दाल को। तो इसमें जाएगा 2 चम्मच घी, थोड़ा घी को गर्म होने देते हैं। तो यहाँ पे हमारा घी अच्छे से गर्म हो चुका है, अब हम इसमें ऐड करेंगे जीरा, लाल मिर्च, कश्मीरी मिर्च 1 चम्मच, हरा धनिया। तो ये तड़का हो गया अच्छे से। तो यहाँ पे हमारी दाल भी अच्छे से बॉईल हो चुकी है, अब हम ये तड़का इस पे डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी दाल रेडी है, तो हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा यहाँ पे ढाबा स्टाइल दाल तड़का बिल्कुल रेडी है, तो आप देख सकते हैं बहुत ही अमेजिंग और खुशबू तो लाजवाब आ रही है। तो आप इसे स्टीम राइस या जीरा राइस के साथ में सर्व कर सकते हैं और इसे बना के एंजॉय करें। आप ये दाल तड़का घर पे जरूर ट्राई करें और आपके कमेंट मुझे कमेंट्स बॉक्स में शेयर करें। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। फिर मिलेंगे और एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।